आईआईटी जैम, ओके, आईआईटी, एनडीए एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट इंक्लूड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सेट थ्योरी इन कॉमन. उन सभी में सेट थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट. नेट के पेपर में सेट थ्योरी से शुरुआत होती है और लीनियर अलजेब्रा तक चले जाते हैं, वो नेट में भी इंपॉर्टेंट है. मतलब हम ये कह सकते हैं सेट थ्योरी का फुल कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसे कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है, प्लस वन से लेके अनवर्स तक. ठीक है, प्लस वन से शुरू होके आगे तक का कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख सकता है. तो चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ेंगे सेट क्या होता है, उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड मैनी मोर. यानी आज हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर वन. और इस सेट थ्योरी की अलग से सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम पूर्ण रूप से सेट थ्योरी को शुरू करके खत्म कर लेंगे, ताकि आपका आईआईटी जैम, एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी जेई एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट विल गो वेरी स्मूथ. ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं. हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे. मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना YouTube चैनल अल्फा बीटा टॉक्स. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. देखिए हमारा कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी, सेट से जुड़ी हुई सारी की सारी थ्योरी, तो उसमें पहला वर्ड आया सेट, कि ये सेट क्या चीज है. सेट को समझने के लिए मैं आपको पहले प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं. इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स जैसे ए से, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिडिल ब्रेसिस से इनक्लोज किए जाते हैं. जैसे आप लिखोगे यहां पे 2, 4, 6, 8 एंड गोज टू. ये सेट है जिसे आप लिखते हैं बड़े लेटर से. इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कोमा से अलग अलग करने हैं, एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको इनक्लोज, उनको बांध देना है किससे? मिडल ब्रेसिस से, बीच वाली मध्यम ब्रैकेट से. ओके, सेट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. वेल डिफाइंड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है. वेल डिफाइंड का मतलब जो चीजें एक्चुअल में डिफाइंड है. देखो आपने कलेक्शन करना है, कलेक्शन का मतलब संग्रह करना है. संग्रह किन किन का कर सकते हो? मैं कहता हूं मेरे पास संग्रह है, एक भी कार नहीं है जिसमें, तो ये तो संग्रह होगा नहीं. संग्रह होगा तो मतलब उसमें कलेक्शन में कुछ ना कुछ तो हो, तो बेसिकली नॉन एम्प्टी कलेक्शन भी बोल सकते हो. पर किसी चीज को डिजायर के हिसाब से सिद्ध कर लेना कि हाँ इसमें मैंने कलेक्ट करना है. जैसे मैं एक बॉक्स में टॉफीज रखना चाहता हूं, फिलहाल उसमें कोई टॉफी नहीं है, लेकिन मैंने वो बॉक्स किसके लिए बनाया है? उसमें मैं कुछ टॉफीज रखूं, तो वो बॉक्स भी एक सेट की फॉर्म में है, बस वो एम्प्टी सेट है. फिलहाल वो कैसा सेट है? एम्प्टी. और टॉफी मेरी यहां पे क्या है? एलिमेंट्स हैं. वैसे कलेक्शन है तो ऐसी चीजें होंगी ना जिन्हें आप जानते हो. ऐसी चीजें तो होंगी नहीं जिन्हें आप जानते नहीं. तो जिन चीजों को आप जानते हैं उन्हें यहां पे आपने नाम दिया वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन करो, कितने का, किसका कलेक्शन करो? आप भारत के 5 करंट प्रधानमंत्रियों का कलेक्शन करो. भारत के 5 करंट प्रधानमंत्रियों का कलेक्शन करो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि करंट में कितने प्रधानमंत्री हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसका सेट नहीं बना सकते. जो भी चीजें वेल डिफाइंड होंगी उन्हीं का सेट बनेगा. ठीक है, तो ये हो गया सेट. ओके, सेट के बाद में मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिखना चाहता हूं. सेट का आपको समझ में आ गया होगा. सेट की दो फॉर्म है. सेट की कितनी फॉर्म्स हैं? दो फॉर्म्स. इसकी दो फॉर्म्स हैं. पहली जो फॉर्म रहती है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकंड जो लिख रहा हूं मैं यहां पे सेट बिल्डर के बाद में टेबुलर फॉर्म.
एलिमेंटल फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को आप कंडीशनल फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, फॉर्म्स है, फॉर्म्स का मतलब रूप, रूप का मतलब उन्हें किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। सेट को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो रूपों में उसे देख सकते हैं। पहला रूप तो है सेट बिल्डर फॉर्म का, यानी अब मैं कह दूं मेरे दो रूप हैं, मैं ही गंगाधर हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, तो आप मेरे को दो रूप में देख सकते हो, या तो मेरे को गंगाधर की तरह देखोगे या मेरे को शक्तिमान की तरह देखोगे, राइट। पर मैं ऐसा नहीं हूं, ना मैं गंगाधर हूं ना मैं शक्तिमान हूं, एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं गंगाधर शक्तिमान, पर्सन एक है, रूप दो है, सेम यहां चीज एक है, सेट रूप दो है। पहला रूप इस रूप में भी देख सकते हो उसको, दूसरा इस रूप में भी देख सकते हो उसको। तो पहले देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म का मैं दूसरा नाम यहां पे लिख रहा हूं, कंडीशनल फॉर्म। तो यहां से समझ आता है, ऐसी फॉर्म जिसमें कंडीशन दी हो, ठीक है, जिसमें क्या दी हो कंडीशन, जैसे मैंने बोला ए नाम का सेट बनाओ, ध्यान से समझना, जिसमें एक्स नाम के एलिमेंट आए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपने भी समझना, ए नाम का सेट बनाओ जिसमें एक्स नाम के एलिमेंट आए, सच दैट, ये जो डबल डॉट्स हैं किसकी हैं, सच दैट की एक्स नेचुरल में से होना चाहिए। नेचुरल समझते हो ना, नेचुरल कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 नेचुरल्स, नेचुरल में से होना चाहिए, और एक्स 1 से तो बड़ा हो, 5 से छोटा हो। ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म है, ये जिसे मैं बोलता हूं कंडीशनल फॉर्म। क्यों है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी है। क्या मैंने एलिमेंट लिखे, नहीं लिखे, मैंने उनकी क्या लिखी, कंडीशन। जब एलिमेंट ना लिखे जाए, उनकी कंडीशन लिखी जाए, तो उसी हिसाब से जो सेट होता है, दैट सेट इज कॉल्ड, दैट फॉर्म ऑफ सेट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। जैसे यहां पे मैंने कंडीशन कौन कौन सी दी, मैंने कहा कि ए नाम का सेट बनाओ जिसमें एक्स आएंगे, कंडीशन नंबर एक देखिए एक्स कहां से है, नेचुरल में से। कंडीशन नंबर दो देखिए, एक्स जो है 1 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ये दो कंडीशन। तो मैंने यहां पे एलिमेंट नहीं लिखे, एलिमेंट तो मैंने बता दिया कि एक्स नाम के हैं, पर वो एक्स है कहां से, नेचुरल में से, ये कंडीशन पहली, एक्स 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, ये कंडीशन दूसरी। तो दो कंडीशन दी हुई है, जब कंडीशन दी हो तो वो कौन सी फॉर्म होगी, वो होगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म या कंडीशनल फॉर्म। ओके, तो अब इससे मैं एलिमेंट बना सकता हूं, यस, मेरे को एक्स चूज करने हैं, कहां से चूज करने हैं, नेचुरल में से, यानी इनमें से 1 2 3 4 5 इनमें से चूज करने हैं। लेकिन 1 से बड़े, 1 से बड़ा नेचुरल कौन है, 2 से शुरू कर लेंगे, किस से छोटे, 5 से छोटे, तो कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे, तो ये होगा 2 3 और 4। अब इस सेट के अंदर देखें, ये क्या इसमें कंडीशन है, नहीं, इसमें क्या है, एलिमेंट। जिस फॉर्म में एलिमेंट लिखे हो, कंडीशन ना लिखी हो, सीधे के सीधे क्या लिखे हो, एलिमेंट लिखे हो, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो सेट क्या होता है वो भी पता लग गया, सेट की दो फॉर्म होती हैं, कंडीशनल फॉर्म जिसमें कंडीशन लिखी हो, टेबुलर फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स लिखे हों। ओके, तो ये सेट हमें पता लग गया, इस तरह का कोई फंडा है और हमने इसको समझ लिया। अभी हम यहां पे एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है, किसकी बात करेंगे, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी आपने छोटी क्लासों में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज मौका मिल गया आपको समझने का, व्हाट इज कार्डिनलिटी, जो कुछ बच्चे हैं उनको समझ आती भी होगी, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी। ओके, तो कार्डिनलिटी क्या है, किसी भी सेट में कितने मेंबर हैं, जैसे मैं बोला एक बस की कार्डिनलिटी क्या है, उस बस में कितने बंदे हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक एक को गिनना है, ठीक है। ओके, वैसे ही सेट की कार्डिनलिटी क्या है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, आपकी गिनती सही होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन अ सेट। अब जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे कार्डिनलिटी में डेफिनेशन ले दी, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इफ ए इज अ सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है, कितनी होगी, 3, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, सेट में
रिपीटिंग एलिमेंट्स का कोई तुक नहीं होता, सेट में रिपीटिंग एलिमेंट्स का कोई तुक नहीं होता। जैसे मैं ये बोल दूं कि इफ ए इज अ सेट हैविंग वन 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 वन, कितने वन है, फाइव वंस, तो इसकी कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है। अब कई बच्चे बोलेंगे फाइव, नहीं, इसकी कार्डिनलिटी वन है, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, वो रिपीट हो रहा है। तो यानी कार्डिनलिटी की अगर मैं डीप डेफिनेशन पढ़ू, इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो यहां पे नंबर ऑफ, यहां पे मैं क्या वर्ड डाल सकता हूं, डिस्टिंक्ट, इट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। जैसे वन टू थ्री ये डिस्टिंक्ट हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री थ्री, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी, वन टू थ्री, तीन अलग तो तीन ही है ना, ये तीन तीन तो सेम है, तो कार्डिनलिटी यहां पे कितनी है, थ्री है। ठीक है, अब कुछ कार्डिनलिटी के बेस पे सेट है, ठीक है, और जो आपको सिर्फ पढ़ने में काम आएंगे, वैसे कहीं कुछ काम नहीं आएंगे। स्मॉलर सेट एंड लार्जर सेट, ये कंपेयर करके बताते हैं। अगर ए और बी दो सेट हैं, ए और बी क्या हैं, दो सेट, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए छोटी है किससे, कार्डिनलिटी ऑफ बी से, तो इस बात है बी में ज्यादा एलिमेंट है, ए में कम एलिमेंट है, ये समझे ना। अगर बी में ज्यादा एलिमेंट है तो बड़ा है सेट कौन सा है, ये तो दिस वन इज बिग बॉस, बिग बॉस मीन्स बड़ा एलिमेंट, बड़ा सेट, एंड दिस इज स्मॉलर सेट। ओके, तो ये आपका इसी के बेस पे था। ओके, ये हो गया हमारे पास कार्डिनलिटी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें पहला जो टाइप है दैट इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ सेट में, टाइप्स ऑफ सेट के अंदर पहला आपके पास में आएगा एम्प्टी सेट। पहला किसके अंदर आएगा, एम्प्टी सेट। देखो जितनी भी कंपटीशन की क्लास है, जैसे ये भी एक कंपटीशन की क्लास है, तो इसमें मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, आपको हर चीज पकड़नी है और पकड़ के अपनी कॉपी पे नोट कर लेनी है। अब आप कहते हो आप जल्दी बोल जाओगे तो हम पकड़ेंगे कैसे, आप दोबारा चला के देख सकते हैं, उसको पीछे करके देख सकते हैं, समझ रहे ना। एम्प्टी सेट क्या है, अभी भी मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट वी हैव अ बॉक्स एंड वी हैव टॉफीज इन अदर हैंड, वन हैंड वी आर हैविंग अ बॉक्स एंड अनदर हैंड वी आर हैविंग सम टॉफीज। द बॉक्स इज मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ टॉफीज, जो बॉक्स है वो टॉफी के कलेक्शन के लिए बनाया गया। टॉफी यहां पे एलिमेंट्स है, लेकिन बॉक्स मेरा यहां पे सेट है। इस सेट में एक भी टॉफी नहीं है, पर इसमें खाली जगह तो है, और वो खाली जगह किसके लिए है, टॉफीज के लिए, राइट। दैट सेट इन विच देर इज नो सिग्निफिकेंट एलिमेंट इज प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट एलिमेंट की बात आ गई। अब ऐसा सेट, बॉक्स, बॉक्स, देर इज नो टॉफी इन द बॉक्स, तो बॉक्स इज द सेट। ऐसा सेट जिसमें सिग्निफिकेंट एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट जिसमें सिग्निफिकेंट एलिमेंट कोई भी नहीं है, दैट इज एम्प्टी सेट, कोई भी टॉफी नहीं है, पर उसमें एक एलिमेंट अभी भी है, और वो एलिमेंट है खाली जगह, वो एलिमेंट है खाली जगह, खाली जगह को हम बोलते हैं फाइव। अब वो कहते हो जी अगर हम उसमें ट्रॉफी डाल दें, एक मिनट मैं आपको समझाता हूं, बॉक्स में ट्रॉफी डाल दी तो क्या वो फाइव नाम का एलिमेंट दूर हो जाएगा, नहीं होगा। आप कितनी मर्जी ट्रॉफी डाल दो, फिर भी दो ट्रॉफी के बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह बचेगी ना, कितना मर्जी भर लो कहीं ना कहीं खाली जगह बचेगी ना, क्योंकि एटम और एटम स्फीयर होते हैं, और स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखा तो भी खाली जगह तो बचती है, कहीं ना कहीं तो खाली जगह बचेगी। आप किसी भी चीज को पूर्ण रूप से भर ही नहीं सकते, तो जब नहीं भर पा रहे हैं तो खाली जगह बची, तो वो फाई जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। फाई को लिखेंगे कैसे, फाई को लिखते हैं ये, ठीक है, अगर सिर्फ फाई है तो एम्प्टी सेट है, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ फाई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है और कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट है, इसको आप फाई सेट भी बोलते हो, ठीक है, दिस सेट फाई, फाई सेट। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, इफ अ सेट हैज नो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स, सिग्निफिकेंट समझ गए ना, जिसकी महत्वता हो, खाली जगह की कोई महत्वता नहीं है हमारी लाइफ में, वैसे है पर वैसे नहीं है। इफ अ सेट हैज नो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स,
अगर उसमें क्या ना हो, कोई भी सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ना हो, जैसे मैंने बोला ए इज अ सेट हैविंग एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल एक्स वन से बड़ा हो टू से छोटा हो। अब बताओ ए जो सेट है क्या वो फाई सेट के इक्वल है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। ये कंडीशन क्या कहती है? एक्स नेचुरल में से हो, और नेचुरल में से हो तो नेचुरल क्या होते हैं? वन के बाद नेचुरल कौन है? टू। टू के बाद नेचुरल कौन है? थ्री। लेकिन कहता है ये एक्स वो वाले लेने हैं जो वन से बड़े हो। वन से तो बड़े, वन से बड़े टू से छोटे, वन और टू के बीच में कोई भी नेचुरल है ही नहीं, पर खाली जगह है, खाली जगह तो फाई है, तो फाई सेट एम्प्टी सेट। कई बुक्स में इसको देखने का मिलेगा, इसका नाम मिलेगा नल सेट, ओके, वॉइड सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया, नल सेट हो गया, ठीक। तो ये इसी के नाम है। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, व्हाट इज दी कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट। कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट कितनी होगी? कितने एलिमेंट हैं नल सेट के अंदर? कितने एलिमेंट हैं? देर इज नो सिग्निफिकेंट एलिमेंट, सो कार्डिनलिटी ऑफ नल सेट इज जीरो। कई बच्चे सोचते हैं उसमें फाई तो है, फाई को एक एलिमेंट काउंट कर लो वो वन हो गई कार्डिनलिटी। नहीं, आपको सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स काउंट करने हैं। क्या एम्प्टी सेट में सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स है? नहीं है, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी है? जीरो, कोई भी एलिमेंट काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक। खाली जगह को काउंट नहीं कर सकते ना, ये ऐसे काउंट नहीं होगा। जगह चीजें काउंट होगी, एक ट्रॉफी, दो ट्रॉफी, तीन ट्रॉफी, चार ट्रॉफी, पांच, ऐसे काउंट होगी, खाली जगह नहीं काउंट होगी। सो अगर कार्डिनलिटी ऑफ फाई सेट पूछी जाए, कार्डिनलिटी ऑफ फाई, देन इट इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। व्हाट इट इज? इट इज सिंगलटन सेट। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स आर वी आर गोइंग ऑन सिंगलटन। सिंगलटन, सिंगलटन की स्पेलिंग देख लेना यार। सिंगलटन सेट, व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगल टोन, सिंगल का मतलब एक, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जिसकी कार्डिनलिटी वन हो। सिंगलटन सेट आर दो सेट इन विच कार्डिनलिटी इज वन। कार्डिनलिटी वन कब होती है? जब कितने सिग्निफिकेंट एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट एलिमेंट हो। अब मैंने बोल दिया ए इज अ सेट इन विच एक्स आर देयर, एक्स आर फ्रॉम नेचुरल्स, कंडीशन नंबर एक, एंड दूसरी कंडीशन एक्स वन से बड़ा है, थ्री से छोटा है, तो इस ए में कितने एलिमेंट आएंगे? नेचुरल नंबर लिखना है, वन से बड़ा हो, थ्री से छोटा हो, कौन होता है? टू। क्या कितने एलिमेंट आए? एक एलिमेंट आया, तो यहाँ पे जो ए है वो कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। और कार्डिनलिटी ऑफ ए यहाँ पे कितनी है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इज हेयर वन। तो सिंगलटन सेट बोलते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट एलिमेंट कितने हो? वन हो। और सिग्निफिकेंट एलिमेंट वन होगा तो कार्डिनलिटी कितनी होगी? वन। अगर सिग्निफिकेंट एलिमेंट जीरो होगा, यानी देर कोई भी सिग्निफिकेंट एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनलिटी कितनी होगी? जीरो होगी, जीरो, ठीक। तो ये सिंगलटन सेट हो गया। एक और टाइप पढ़ते हैं, ओके। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एनडीए में आते हैं, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एम्प्टी सेट यार उसमें फाई तो होता ही है वन, तो फिर वो वन को लगाते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट, मैंने आपको एक शब्द दे दिया है सिग्निफिकेंट, ओके। सो वी आर गोइंग ऑन थर्ड, यहां पे अब हम दो सेट की बात करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सेट्स का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। और यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वल सेट्स, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं? इक्वल सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट तो तब होंगे जब उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट सेट्स तो वो होंगे जिनके अंदर कार्डिनलिटी सेम हो, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल सेट के अंदर कार्डिनलिटी तो सेम हो ही हो, एज वेल एज उनके अंदर नंबर जो एलिमेंट्स हैं
वो भी सेम होने चाहिए, यानी ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, इनमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल्स टू 4, 5, 6, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है, कितनी है कार्डिनलिटी ऑफ बी जल्दी बताइए, 3, आप बता ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, एलिमेंट सेम नहीं है लेकिन उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो इक्विवेलेंट हैं। ओके नेक्स्ट इक्वल, अगर मैंने ये बोला ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 3, तो बताओ क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस दीज आर इक्वल, क्योंकि रिपीटिंग एलिमेंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही लिखो जाए। यहां पे भी कार्डिनलिटी कितनी है 3, वहां पे भी कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है 3, साथ ही साथ एलिमेंट्स भी सेम है, इसमें 1 है उसमें भी है, इसमें 2 है उसमें भी है, इसमें 3 है उसमें भी है, कार्डिनलिटी भी सेम, जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या सेम। अगर ऐसा हो तो सेट कैसे होंगे, इक्वल सेट्स। तो ये थी आपकी बेसिक क्लास, एक बढ़िया सी बेसिक क्लास आपको मैंने दे दी है और यहां तक इसके 4 टाइप तक मैंने पढ़ा दिए आपको। आपको हर किसी के 3-3 एग्जांपल लिखने हैं, हर क्लास में लिखने, इक्वल सेट के भी फॉर्म्स ऑफ सेट में 3-3 एग्जांपल लिख के देखने हैं। एंड कोई डाउट हो तो आप मेरे को वीडियो में नीचे दे सकते हैं। हर रोज सेट थ्योरी की एक क्लास आएगी, हर रोज, ठीक है। आज की क्लास यही खत्म होती है। आई होप यू गाइज लाइक दी वीडियो, इफ यू डू सो सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर अस। इसी के साथ अलविदा लेते हैं, जय हिंद, खुश रहो, आबाद।